उत्पादक मजदूरी 5000 बट्टा नामे 700 बट्टा जमा 500, सैलरी 750, वेतन 750, किराया 495, सामान्य व्यय 1705, लाभ व हानि खाता 1503, 30 जून 2005 जमा। क्रेडिट साइड में प्रदत्त लाभांश अगस्त 2005 को 500, प्रदत्त अंतरिम लाभांश फरवरी 2006 को 400, पूंजी 10,000, 1 रुपए प्रति अंश की दर से, देनदार 3,750, लेनदार 1,750, संयंत्र एवं मशीनरी 2,900, रोकड़ बैंक में 1,620, रिजर्व 1,550, प्रबंध निदेशक को ऋण 325, डोबत ऋण 158। 30 जून 2006 को स्टॉक 8,200 है, व्यापारिक व्यय 30 जून 2006 पर व्यापारिक खाता तथा लाभ व हानि खाता तथा इसी तिथि पर तुलन पत्र भी तैयार करें। इसके साथ ही आपको निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान करना है। पहला, मशीनरी में 10% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास। दूसरा, देनदारों पर छूट के लिए 5% की दर से आरक्षित। तीसरा, 30 जून पर 1 माह का किराया 45 रुपए बकाया। और चौथा, 6 माह का बीमा तथा सामान्य खर्चों सहित 75 रुपए असमाप्त थे। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि कुछ विवरण दिए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ समायोजन दिए गए हैं और इस समायोजन के आधार पर हमको एक लाभ हानि खाता, व्यापारिक खाता और बैलेंस शीट तैयार करनी है। इस प्रश्न में दिया गया है कि 30 जून 2006 को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का एक बैलेंस शीट हमको बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाना है। इस तरह के प्रश्नों में जबकि हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक साथ बनानी होती है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर लेते हैं। सबसे सही तरीका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है कि पहले हम उसका फॉर्मेट तैयार कर लें, पर्टिकुलर अमाउंट और उसके बाद क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, और उसके बाद इस पूरे अकाउंट को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर का जो थोड़ा सा हिस्सा रहता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का रहेगा और उसके नीचे का जो पोर्शन होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करने के लिए रखेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये ध्यान रखना है हमको कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो मदे होती है, जो पॉइंट्स होते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं, तो लगभग इस प्रश्न को देखते हुए 6 से 7 लाइन की जो जगह है वो हमको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ देनी है और बाकी नीचे का जो पोर्शन है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज करना है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले हम जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको पढ़ लें और जिन जिन पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट है उसको हम अपने बुक में टिक कर लें कि किस किस पॉइंट में एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मशीनरी में एडजस्टमेंट है, तो पहले हम मशीनरी में एक छोटा सा टिक कर लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि देनदारों पर थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है, तो अगर देनदार हमको कहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसमें हम टिक कर लेंगे। फिर 30 जून पर 1 माह का किराया 45 रुपए बकाया है, यानी कि किराया में कुछ एडजस्टमेंट है तो किराया में हम टिक कर लेंगे। और उसके बाद बीमा और सामान्य खर्चों में कुछ एडजस्टमेंट है तो सामान्य व्यय जो दिए हुए हैं वो और बीमा की जो राशि दी गई है उसमें हम एक छोटा सा टिक कर लेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जिन जिन मदों पर किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट है उन मदों की जो अमाउंट है उसको हम इनर कॉलम में यानी कि पर्टिकुलर कॉलम में ही लिखेंगे और फिर समायोजन कर लेने के बाद ही उसको हम आउटर यानी कि अमाउंट कॉलम में उसको हम लिखेंगे। तो चलिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस से सारे अमाउंट को, सारे जो मदे हैं उनको हम लिखते जाएंगे क्योंकि अगर हम आगे पीछे करते हैं, कुछ सीक्वेंस से नहीं चलते तो किसी ना किसी मद के छूट जाने की संभावना बनी रहती है
और इस पूरे तलपट में से अगर एक भी मत छूट जाती है तो पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट भी गलत हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी गलत होने की संभावना है, और अगर इन दोनों के बैलेंस सही नहीं आते हैं तो फिर बैलेंस शीट किसी भी स्थिति में टैली नहीं हो पाएगी। तो सीक्वेंस से हम इसके अमाउंट को लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टॉक जो है, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे क्योंकि 30 जून 2005 का ये स्टॉक है। तो 30 जून 2005 को ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 7500। तो जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 7500। हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं उसके लिए बनाए जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिखने के लिए बनाया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक और प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, माल के निर्माण से संबंधित, उत्पादन से संबंधित जो एक्सपेंसेस होंगे उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 7500 यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा है। उसके बाद हम देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट है सेल्स। तो सेल्स से हमको राशि प्राप्त होगी विक्रय से, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे सेल्स 3500। नेक्स्ट पॉइंट है परचेस। तो ये हमने फॉर्मेट में देखा कि परचेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, और अगर परचेस रिटर्न होता तो हम इसको माइनस करके लिखते, लेकिन फिलहाल प्रश्न में परचेस रिटर्न के बारे में कोई भी एंट्री कुछ भी पॉइंट नहीं दिया गया है, तो हम परचेस को लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2500। उसके बाद हम देख रहे हैं उत्पादक मजदूरी, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड है और वेजेस है, वेजेस हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आता है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे प्रोडक्टिव वेजेस 5000। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिस्काउंट दिया गया है, और दो तरह का डिस्काउंट है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, और डिस्काउंट है तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, और इनडायरेक्ट है इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो जो डेबिट वाला डिस्काउंट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, और जो क्रेडिट वाला डिस्काउंट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 500। उसके बाद सैलरी दी गई है, सैलरी जो है एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे सैलरी 750। रेंट दिया गया है, और रेंट पे हमने टिक मार्क भी किया हुआ है, यानी कि रेंट में कुछ एडजस्टमेंट है, तो रेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे 495 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 495, और इनर कॉलम में लिखेंगे हम, और एक लाइन यहाँ पर हम उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर, और इनर कॉलम में हम लिखेंगे 495, और देखते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें एक माह का किराया जो है बकाया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है, तो क्योंकि हमने 11th में देखा था कि एडजस्टमेंट जो होते हैं 12 या 13 एडजस्टमेंट हमने वहां पर देखे थे, और उस कंडीशन में हमने देखा था कि आउटस्टैंडिंग वाली जो अमाउंट है वो प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर हम 45 रुपीज के अमाउंट को प्लस कर देंगे, और टोटल जो अमाउंट आती है 540 उसको हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम जनरल एक्सपेंसेस देख रहे हैं 1705, इसमें भी हमने टिक किया हुआ है, मतलब इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो जनरल एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे इनर कॉलम में, यानी पर्टिकुलर में लिख लेंगे पहले 1705, और अब देखते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट क्या है। तो इसमें एडजस्टमेंट हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें 75 रुपीज जो है वो प्रीपेड है, पूर्वदत्त दिए गए हैं, तो पूर्वदत्त प्रीपेड, क्योंकि हमने देखा था एडजस्टमेंट के टाइम कि प्रीपेड की जो अमाउंट होती है वो रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें माइनस हो जाती है, तो यहाँ जनरल एक्सपेंस में 1705 में हम प्रीपेड जो जनरल एक्सपेंस है 75 उसको माइनस कर देंगे, और फिर फाइनल अमाउंट को हम बाहर अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 1630। आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लाभ हानि खाता का शेष दिया है 1503 रुपीज, तो ये जो 1503 रुपीज है क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्पष्ट रूप से दिया गया है, तो इस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस बीडी 1503 रुपीज लिखकर बंद कर देंगे। यहाँ पर हमको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस अमाउंट को हमको डेबिट में लिखे कि इस अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखे, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है
ये 30 जून 2005 का जमा शेष यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रदत्त लाभांश दिया गया है, डिविडेंड दिया गया है, तो ये जो डिविडेंड के अमाउंट है वो टोटल 500 है। और अब ये जो अमाउंट है ये कहा जाएगी, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद का जो पोर्शन है वहां पर हम लिखेंगे, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफर कर चुके हैं। तो इस अमाउंट को डिविडेंड पेड का, अगस्त का जो डिविडेंड है उसको हम इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे जब हम लाभ हानि खाता को बंद करेंगे। तो 500 की अमाउंट है डेबिट साइड में आएगी। अंतरिम लाभांश भी दिया गया है साथ में, उसको भी हम अलग कर लेंगे 400। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैपिटल 10,000। तो कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट का पॉइंट है, साथ ही साथ हम बैलेंस शीट भी बनाते चलेंगे। तो कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट का पॉइंट है, और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं डेटर्स है, क्रेडिटर है, प्लांट एंड मशीनरी है, कैश है, रिजर्व है, लोन है और बैड डेट्स है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये बैलेंस शीट के हैं। हाँ, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि बैड डेट्स जो है वो क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिया गया है यानी कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, और इसको हमको डायरेक्ट बैलेंस शीट में ना लिखकर सीधे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और इसलिए डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ये एक प्रकार का लॉस है। तो हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अभी यहीं पर छोड़ देंगे, इसको हम अभी क्लोज नहीं करेंगे। पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद हम बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। तो आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट हम बनाएंगे एज ऑन 30 जून 2006। लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों साइड का हम फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे शेयर कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल एट द रेट ऑफ रुपीज शेयर्स, यहाँ पर सिर्फ हमको मेंशन करना है। और जो इसकी अमाउंट है टोटल 7,500 स्टॉक की जो अमाउंट है उसको हमको लिख के क्लोज कर देना है। इशूड एंड सब्सक्राइब में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,000 रुपए की पूंजी है हमारे पास और जो शेयर है वो 1 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर जो है वो भी 10,000 ही है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 1 इच, और अमाउंट में हम 10,000 लिखेंगे। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग आती है, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। रिजर्व है 1,550 का, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी इसके अंतर्गत आता है। तो फिलहाल क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग हम डालेंगे, लेकिन अमाउंट अभी हम नहीं लिखेंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। करंट लाइबिलिटीज आएंगे यहाँ पर, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पे करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन दिए गए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तो करंट लाइबिलिटी है क्रेडिटर 1750, वो हम लिख लेंगे। दूसरा जो करंट लाइबिलिटी है वो है जो कि हमने एडजस्ट किया था, आउटस्टैंडिंग रेंट 45। जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको हमेशा दो जगह लिखा जाता है, तो हमको विशेष तौर पे ये चेक कर लेना है कि हमने एडजस्टमेंट को दो जगह, क्योंकि एडजस्ट करना मतलब कहीं से निकालना कहीं पे डालना, तो हमको विशेष तौर पे ये बात चेक कर लेनी है कि हमने एडजस्टमेंट को दो जगह कहीं ना कहीं जहां लिखा जाना चाहिए वहां लिखा है कि नहीं। तो जैसे कि हमने रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पर एक बार रेंट में प्लस किया था, तो अब एक बार हम इसको लायबिलिटी मानते हुए, करंट लायबिलिटी मानते हुए बैलेंस शीट में भी लिख देंगे। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर फिक्स एसेट्स भी है। तो फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी है 2,900 की, और हमने इसमें टिक किया हुआ है। टिक इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। तो अब हम इसमें एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। तो एडजस्टमेंट है मशीनरी में 10% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास। तो 10% वार्षिक की दर से जो मूल्यह्रास है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रिसिएशन को। 2,900 का 10% डेप्रिसिएशन 290 हो जाता है, जिसको कि हम प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर देंगे तो 2,610 रुपीज की जो फाइनल अमाउंट आती है वो अमाउंट कॉलम में आएगी। दूसरी बात, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इस 290 के अमाउंट को हमको और कहीं ना कहीं डालना है। तो ये अमाउंट कहाँ आएगी, ये आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों आएगी, क्योंकि एक तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ये लॉस है एक तरीके से देखा जाए तो, और क्योंकि ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट है ये, तो इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ करंट एसेट्स भी दिखाई दे रहे हैं, लोन एंड एडवांसेस भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर
जो करंट एसेट्स है उसमें सबसे पहले हम अपने ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में देख रहे हैं कि डेटर्स है 3750 के, और इसमें कुछ डिस्काउंट देना है, 5% डिस्काउंट देने को बोला गया है प्रश्न में। तो 3750 पे हम 5% डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो 187.5 आ जाता है। तो अब हम 187.5 डिस्काउंट इसमें माइनस करेंगे और फाइनल अमाउंट जो आती है वो 3562.50 आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब ये जो डिस्काउंट है वो एडजस्टमेंट है, तो उसको एक बार और कहीं ना कहीं लिखना है। तो क्योंकि वो डिस्काउंट है, एक्सपेंस है एक प्रकार का, लॉस है एक प्रकार का, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी एक बार लिखेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और 187.5 रुपीज वहां लिखेंगे। उसके बाद हमको बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में कैश एट बैंक दिख रहा है 1620 का, उसकी एंट्री हम कर लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है 75 का, उसकी एंट्री हम कर लेंगे। स्टॉक है 8200, वो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। स्टॉक के बारे में हमको ध्यान रखना है कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक का रूल आपको बता दूं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तब तो अलग बात है, वो केवल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया गया है तो उस कंडीशन में वो दो जगह आएगा, एक तो हमको उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखना है, और दूसरा हमको उस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में भी लिखना है एसेट साइड में। तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, ये 325 की जो अमाउंट है वो हम एसेट साइड में लिख देंगे। तो टोटल हमारी ये बैलेंस शीट अब तैयार हो गई है, लेकिन अभी इसमें बैलेंस ट्रांसफर करना बचा है। सबसे पहले हम, क्योंकि हमने सारे एडजस्टमेंट भी कर लिए, हमने सारे ट्रायल बैलेंस के जो अमाउंट थे वो भी हमने फुलफिल कर ली है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे बैलेंस। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट टोटल को डेबिट टोटल से माइनस करेंगे, तो हमको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट टोटल है वो है 43,200। इसमें से हम ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट टोटल माइनस करेंगे तो हमको जो बैलेंस मिलेगा वो आएगा 6,200, और वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, यानी कि क्रॉस ट्रांसफर कर देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम ग्रॉस ट्रांसफर करेंगे 6,200, तो टोटल हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट 6,700। और इस 6,700 में से जब हम डेबिट अमाउंट को पूरे के पूरे को जब हम माइनस करते जाएंगे तो हमको जो अमाउंट मिलेगी वो होगी 2,444.5, जिसको कि हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे 2,444.5, और ये टोटल हो जाएगा 3,947.5। इसमें से जब हम डिविडेंड पेड और इंटरिम डिविडेंड माइनस कर देंगे तो हमको जो फाइनल जो बैलेंस मिलेगा वो हो जाएगा 3,014.50। अब ये जो 3,014.50 है ये एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, और क्योंकि ये यहाँ पर प्रॉफिट में आ रहा है तो इसको हम 3,047.50 को, जो हमने ब्लैंक छोड़ी हुई थी जगह बैलेंस शीट के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस की हेड में, उसमें हम लिख लेंगे 3,047.50। और अब हमारा जो ये बैलेंस शीट है ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमको ये ध्यान रखना है कि पहले हमने जो शेयर कैपिटल लिखी थी 7,500 वो ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड थी, उसको हम यहाँ पे ऐड में कहीं पर नहीं शामिल करेंगे। उसके बाद से जितनी अमाउंट हमने लिखी है उसका हम टोटल करेंगे। तो यहाँ जब हम बैलेंस शीट के एसेट्स की अमाउंट को टोटल करते हैं तो ये अमाउंट आती है 16,392.50, और लाइब्रेटी साइड का जब हम टोटल करते हैं तो वो टोटल भी 16,392.50 आता है। यानी कि ये माना जाएगा कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है, हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है उसमें सभी मदे सही जगह पर लिखी हुई है, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो सही है, प्लस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिन मदों को लिखा है और जिस साइड लिखा है उन सब में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। सिल्वर ओर कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 2005 को 10 रुपए के अंश से 6 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ की गई। इनमें से 52,000 अंश निर्गमित तथा अभिदत्त किए गए, लेकिन अंशों पर
2.50 रुपए की दर से मांग आई। निम्नलिखित शेष परीक्षण पत्र 31 मार्च 2006 को यथानुसार था, इसके लिए व्यापार तथा लाभ हानि खाता और तुलन पत्र तैयार कीजिए। इस विवरण में हम देख रहे हैं, सबसे पहले बैंकर्स रोकड़ कैश एट बैंक 1,05,500, अंश पूंजी शेयर कैपिटल 5,19,750, संयंत्र प्लांट 40,000, चांदी की बिक्री सेल ऑफ सिल्वर 1,79,500, खदान माइंस 2,20,000, प्रवर्तन व्यय प्रमोशन एक्सपेंसेस 6,000, 31 दिसंबर 2005 तक सावधि जमा पर ब्याज 3,900, निवेश पर लाभांश डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 3,200, सत्व शुल्क भुगतान 10,000, रेलवे ट्रैक तथा डिब्बे 17,000, खदानों की मजदूरी 74,220, विज्ञापन 5,000, संयंत्र पर ढुलाई 1,800, फर्नीचर एवं भवन 20,900, प्रशासकीय खर्च 28,000, प्लांट संयंत्र की मरम्मत 900, कोयला तथा तेल 6,500, रोकड़ 530, निवेश 3 खदानों के अंश 80,000, उपरोक्त पर दलाली 1,000, 6% पर सिंडिकेट बैंक में सावधि जमा 89,000, मूल्यह्रास संयंत्र व रेलवे पर 10%, फर्नीचर व भवन पर 5%, दूसरा प्रोत्साहन राशि का 1/3 हिस्सा बट्टे में डालें। 31 मार्च 2006 पर सिल्वर ओर की का मूल्य 15,000, निवेशकों ने 20 दिसंबर 2006 को 100 अंश जब्त कर लिए, जिन पर 750 रुपए प्रति अंश प्राप्त किया गया। यहाँ पर हमको जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके लिए इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हम फर्स्ट जो हमारा पोर्शन है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग को जोड़कर बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसके अंतर्गत हम लिखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कोल एंड ऑयल 6,500, जो कि हमको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमको केवल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर तैयार करना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारे पास विवरण पत्र जो प्राप्त है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अमाउंट इसमें आएगी। सिक्वेंस से हम इसको देखते जाएंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट हमारा प्रोसेस होगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जिन जिन चीजों पर डेप्रिसिएशन है या फिर कोई एडजस्टमेंट है उसको हम पहले टिक कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले संयंत्र और रेलवे पर और फर्नीचर और भवन, ये चार चीजें हैं जिनको हमको टिक कर लेना है, इसलिए क्योंकि इन पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो संयंत्र, फर्नीचर और उसके बाद जो भवन है, रेलवे जो है उस पर हमको टिक कर लेना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड जो है प्रोत्साहन राशि का 1/3 है, तो प्रोत्साहन राशि को भी हम एक बार टिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं कि सिल्वर ओर का मूल्य 15,000 है और निवेशकों ने 20 दिसंबर को 100 रुपए के अंश जब्त किए, तो अंशों में भी कुछ एडजस्टमेंट हम करेंगे। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अपने विवरण में कि बैंकर्स रोकड़ कैश एट बैंक लिखा गया है, तो ये क्योंकि ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कोई पॉइंट नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट का पॉइंट है, बैलेंस शीट अभी हम बना नहीं रहे हैं, इसको भी छोड़ देंगे। प्लांट जो है ये बैलेंस शीट का पॉइंट है, इसकी भी हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद हमको दिखाई दे रही है चांदी की बिक्री सेल ऑफ सिल्वर, तो चांदी की बिक्री यानी कि यही इसका बिजनेस है, इसको यहाँ पर सेल माना जाएगा और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,79,500 से इसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है खदान, तो ये भी एक एसेट्स है जो कि बैलेंस शीट का पॉइंट है, यहाँ पर हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। प्रमोशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर प्रवर्तन का व्यय दिया गया है, इसकी एंट्री भी अभी हमको यहाँ पर नहीं करनी है, कैपिटल एक्सपेंसेस के अंतर्गत ये आ जाते हैं। 31 दिसंबर 2005 तक की सावधि पर जमा राशि पर ब्याज दिया गया है, ये क्योंकि ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है, हमारी प्राप्ति है, तो अब हम इसको हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्राप्ति है
तो हम क्रेडिट साइड में उसको लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन एफडी 3900। एक चीज हमको ध्यान रखना है कि हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ बनाना है, फॉर्मेट हमारा एक साथ बनेगा। इसी फॉर्मेट को हमको दो भागों में बांट देना है। ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा हम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रख लेंगे और नीचे के हिस्से में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते चलेंगे साथ साथ। तो ये पॉइंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना लिख दिया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिविडेंड मिला है हमको, इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड मिला है, तो ये भी एक इनडायरेक्ट इनकम है हमारे लिए, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, और 3200 से इसकी एंट्री करेंगे हम। उसके बाद तत्व शुल्क का भुगतान किया गया है। अब इस प्रकार के जो शुल्क होते हैं वो एक तरीके से रॉयल्टीज है, ये रॉयल्टी का जो पेमेंट होता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना रहे हैं तो इनको हम ट्रेड में डाल देंगे। तो ट्रेड अकाउंट में हम सबसे पहले यहाँ ऊपर डेबिट साइड में हमने कोल एंड ऑयल लिखा हुआ है 6500 का, अब हम इसमें डाल देंगे रॉयल्टीज 10000 का। उसके बाद हम देख रहे हैं रेलवे ट्रैक और डिब्बे, तो रेलवे ट्रैक और डिब्बे तो ये हमारे एसेट्स और संपत्तियां हैं, तो इसको हम अभी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इन ट्रेड अकाउंट में कहीं नहीं लिखेंगे। खदानों की मजदूरी यानी कि वेजेस है ये, एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि खदान में जो काम हो रहा है उसका वेजेस है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस है ये, तो इसको हमको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है वेजेस 74,220। फिर यहाँ पर हम राइट साइड में देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और हमने पहले भी देखा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। फिर संयंत्र पर ढुलाई का एक्सपेंस यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें जो संयंत्र को लाने ले जाने स्थापित करने के जो व्यय होते हैं वो संयंत्र यानी कि प्लांट के मूल्य में जुड़ जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि अभी हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो बैलेंस शीट नहीं, हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेड अकाउंट बना रहे हैं। फर्नीचर भवन दिया है, ये हमारा एक प्रकार का एसेट्स है, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, हम यहाँ पर कहीं नहीं लिखेंगे। प्रशासकीय खर्च दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो स्पष्ट रूप से दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं प्लांट और संयंत्र की मरम्मत, अब भले उसके लाने ले जाने और स्थापित करने के जो व्यय होते हैं वो प्लांट की कॉस्ट में जुड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो टूट फूट या मरम्मत पर जो व्यय किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये जो रिपेयर ऑफ प्लांट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। कोयला और तेल के बारे में दिए गए, ये हमने कोयला और तेल के जो अमाउंट है उसको हम क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये अमाउंट है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। कैश की अमाउंट दी गई है 520, लेकिन कैश हमारी एसेट्स है और फिलहाल हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो हम इसको अभी फिलहाल कहीं नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है निवेश 3 खदानों के अंश, अब ये भी एसेट्स में जाएगा, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज है संपत्ति है तो यहाँ पर फिलहाल हम इसकी एंट्री कहीं नहीं करेंगे। इस पर दलाली दी गई है यानी ब्रोकरेज इस पर दिया गया है, तो ये उसी के अमाउंट में जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर ये कहीं पे भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा तो इसको भी हम फिलहाल छोड़ देंगे। एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 6% पर सिंडिकेट बैंक में सावधि जमा, तो ये कैश एट बैंक वाली अमाउंट है, कैश एट बैंक की अमाउंट है, मतलब ये हमारी बैलेंस शीट का की अमाउंट है, फिलहाल इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट जब हमको संयंत्र व रेलवे पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है तो रेलवे की जो अमाउंट है रेलवे ट्रैक जो है वो हम यहाँ पर प्रश्न में देख रहे हैं 17,000 है, अगर हम इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगा देते हैं तो ये अमाउंट 1700 की हमको मिलेगी, जिसको कि हम बैलेंस शीट में रेलवे ट्रैक में से माइनस करके लिखते हैं, लेकिन फिलहाल हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो ये जो 1700 की अमाउंट है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे कि इसके बारे में हमने पहले भी जाना था, जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको हमको दो जगह लिखना होता है, बैलेंस शीट के साथ साथ, या तो वो कहीं ट्रेडिंग में आएंगे या वो कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडजस्ट करना है हमको, कहीं से निकालना है कहीं डालना है, तो वो दो जगह तो उनको हम लिखते ही हैं। एक डेप्रिसिएशन हमको दिखाई दे रहा है फर्नीचर एंड बिल्डिंग पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्नीचर एंड बिल्डिंग के जो अमाउंट है वो है टोटल 20,900,
इस पर अगर हम 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी अमाउंट आती है 1045 रुपीज की। तो 1045 रुपीज की जो अमाउंट है, हमने पहले भी देखा डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि का एक तिहाई हिस्सा जो है वो बट्टे में यानी कि डिस्काउंट में डाल दिया जाएगा। तो ये जो टोटल अमाउंट, तो इसका हम एक तिहाई हिस्सा यानी कि 1/3 निकाल लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रवर्तन जो राशि थी उसका एक तिहाई जो है वो हमको राइट ऑफ करना है, निकालना है, और क्योंकि एक प्रकार का ये एक्सपेंस ही होता है, बाकी जो होता है वो अगले 2 वर्ष के लिए ट्रांसफर हो जाता है। तो इस 6000 में अगर हम 1/3 निकाल लें, 1/3 मतलब 6000 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, तो 2000 की जो अमाउंट है बस वही इस साल के लिए है, वही इस साल के प्रमोशन पीरियड के लिए है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे प्रमोशन एक्सपेंसेस राइट ऑफ, और 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और एक एडजस्टमेंट हमको यहाँ पर दिख रहा है, 31 मार्च 2006 को सिल्वर ओर का मूल्य 15000 था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट है वो 1 अप्रैल 2005 को ओपन हो रही है, और ये जो 15000 बैलेंस दिया गया है ये 31 मार्च 2006 के लिए है, यानी कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि न्यू ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि प्रीवियस ईयर का ये क्लोजिंग बैलेंस था, तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे, और क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया गया है तो क्लोजिंग स्टॉक मानते हुए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट हम एक पॉइंट देख रहे हैं, 2006 को 100 अंशों को जब्त किया गया जिस पर 750 रुपए प्रति अंश प्राप्त किया गया, तो ये कैपिटल्स के पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में कहीं पर नहीं लिखेंगे। लेकिन एक एडजस्टमेंट जो हमको खुद समझना है, एडजस्टमेंट में यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है जिसके अंतर्गत एक तो इंटरेस्ट दिया गया है एफडी पर 3900, उसको हमने इनर कॉलम में लिखा है, लेकिन एक पॉइंट अगर हम गौर करें तो 6% सिंडिकेट बैंक में जो सावधि जमा है उसकी अमाउंट है 89000, और अगर इस पर 6% डिविडेंड दिया जाता है तो इसकी अमाउंट होती है 5340, लेकिन क्वेश्चन में केवल 3900 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अभी भी 5340 माइनस 3900 यानी 1440 की जो अमाउंट है वो इस पर एक्रूड है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड करके एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में हम इसको ऐड करके लिखेंगे, और फाइनल अमाउंट कॉलम में हम इसको 5340 से प्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी विवरण में पॉइंट्स दिए गए थे वो हमने सारे के सारे लिख लिए हैं, प्लस एडजस्टमेंट में जो पॉइंट थे उनको हमने एडजस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा, हम बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस में हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड में जो दो पॉइंट दिए गए हैं उनका टोटल है 1,94,500, इसमें से हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देते हैं तो 1,03,780 आता है, जिसे कि हम ग्रॉस प्रॉफिट मानेंगे, और यहाँ पर हम इस ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करके ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,03,780 इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, क्रॉस ट्रांसफर यानी कि क्रेडिट बैलेंस और वापस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,03,780। और अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बैलेंस निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रेडिट जो टोटल है वो है 1,12,320, इसमें से डेबिट के अमाउंट को हम माइनस करते जाएंगे तो हमको जो बैलेंस मिलेगा वो आएगा 73,675, जिसे कि हम नेट प्रॉफिट मानेंगे। अगर हमको बैलेंस शीट बनाना होगा इस क्वेश्चन में तो इसी नेट प्रॉफिट को फिर हम लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड कर देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं।